गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन योर मैथमेटिक्स क्लास। टुडे आवर टॉपिक इज़ फॉर क्लास 8th फ्रॉम द चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग 2D शेप्स। ठीक है, आज असं अपनी चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 4 करन जा रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जिहड़ा है ये रोंबस नाल रिलेटेड है, इस करके इस क्वेश्चन नूं सॉल्व करन वास्ते असीं रोंबस दीआं प्रॉपर्टीज़ ही यूज़ करांगे। ठीक है, सब तो पहला लेट अस रीड द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, की कह रहे हैं, फाइंड द साइड ऑफ द रोंबस हुज डायगनल्स आर 16 cm एंड 12 cm। ठीक है, असीं मतलब कि रोंबस की साइड फाइंड करनी है जिहदे सानूं डायगनल्स गिवन ने 16 cm एंड 12 cm। ठीक है, हुण देखो सब तो पहली जिहड़ी रोंबस की प्रॉपर्टी है उहदे तुहानू पता होना चाहिए कि रोंबस दीआं ऑल 4 साइड्स की होंदियां ने इक्वल। ठीक है, जिस तरह तुसीं देख सकते हो कि ABCD मान लो कोई भी रोंबस है, इस दे विच ABCD एंड DA। ठीक है, ऑल 4 साइड्स की ने इक्वल। ठीक है, और सैकेंड जिहड़ी दी प्रॉपर्टी है वो ये है कि इहदे डायगनल्स जिहड़े ने, हुण डायगनल्स कौन ने, AC एंड BD। ठीक है, तो AC एंड BD जिहड़े ने वो बाइसैक्ट कर रहे ने एट ओ ते। ठीक है, बाइसैक्ट करदे ने पए ने, पर नाल दी नाल वो बाइसैक्ट किहड़े एंगल ते करदे ने, 90 डिग्री ते। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टीज़ जिहड़ियां ने रोंबस दीआं तुसीं याद रखनियां ने इस क्वेश्चन नूं सॉल्व करन टाइम। ठीक है, नाउ लेट अस डू द सोल्यूशन। Let ABCD be the rhombus with its diagonals bisect each other at O. ठीक है, ये डायगनल्स जोड़े ने AC एंड BD कितने बाइसैक्ट कर रहे हैं, O ते। ठीक है, नाउ डायगनल्स ऑफ अ रोंबस बाइसैक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। तुम्हें ये याद रखना है कि जोड़े रोंबस के डायगनल्स ने वो राइट एंगल से बाइसैक्ट करते होंगे ने। ठीक है, नाउ असी जोड़े डायगनल्स सानू गिवन ने ना डायगनल 16 cm एंड 12 cm, असी उन्हां दी साइड्स लिखते हैं किन्नी लेंथ ने। AC साढ़े को डायगनल है ये 16 cm एंड BD इज़ इक्वल टू 12 cm, ये सानू गिवन ने। ठीक है, नाउ क्योंकि डायगनल्स जोड़े ने रोंबस के बाइसैक्ट करते हैं राइट एंगल से। ठीक है, बाइसैक्ट करते हैं, सो देयर फोर AO। ठीक है, हुण AO जिहड़ी है हाफ ऑफ AC दी इक्वल हो जाएगी। ठीक है, सो AO इक्वल टू हाफ ऑफ AC, AC दी वैल्यू पुट कर दो 16 cm। नाउ 2 एंड 16 कितने कैंसल हो जाएंगे, 2 दे टेबल ते, 2 वन्स 2, 2 8 16। ठीक है, सो ये नाल, ठीक है, हुण उपर सिर्फ 8 × 1 नहीं रह गया, तो AO दी वैल्यू कितनी आ गई, 8 cm। ठीक है, असी AO दी ते BO दी फाइंड करांगे। ठीक है, उस तो बाद विच AB साइड अपने आप आ जाएगी। देखो BO, ठीक है, BO कितना है, 1/2 BD, बिकॉज बाइसैक्ट कर देने डायगनल, सो BO भी कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ BD दे। तो BD की कितनी लेंथ गिवन सी, 12 cm। हुण 2 ते 12 जड़े ने वो 2 दे टेबल ते कैंसल हो जाएंगे, 2 वन्स 2, 2 सिक्स 12। ठीक है, सो ये BO की लेंथ कितनी आ गई, 6 cm। ठीक है, ना हुण असी AO ते BO फाइंड किया क्यों, AB साइड फाइंड करने वास्ते। वो किस तरह फाइंड होएगी, नाउ एंगल AOB 90 डिग्री है। ठीक है, मैं तुम्हें दसिया सी कि डायगनल्स जोड़े ने रोंबस के बाइसैक्ट करते करते ने राइट एंगल से, सो देयरफोर आ जो एंगल किन्ने का आ जाएगा, 90 डिग्री का। तो एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ हुण जे 90 डिग्री एंगल इतने बन रहा है, तो AOB जी ट्राइंगल है वो किहड़ी ट्राइंगल बनेगी, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, क्योंकि एक एंगल 90 डिग्री है, इन राइट एंगल ट्राइंगल AOB। नाउ AB स्केयर, ठीक है, हाइपोटेन्यूज आ जाएगा, AB स्केयर इक्वल टू AO स्केयर प्लस BO स्केयर। ये कितों आया, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर 1 एंगल 90 डिग्री का है, तो असं ये लगा सकते हैं। ठीक है, हाइपोटेन्यूज का स्केयर इक्वल टू BA स्केयर प्लस परपेंडिकुलर स्केयर। नाउ AB स्केयर इक्वल टू AO की लेंथ असी फाइंड की 8, वो स्केयर करता 8 स्केयर प्लस 6, BO की कितनी फाइंड की 6। ठीक है, तो 6 का स्केयर, 8 का स्केयर कि आ जाएगा 64 एंड 6 का स्केयर 36। नाउ 64 प्लस 36 इक्वल टू 100, तो AB स्केयर इक्वल टू 100 आ गया। तो स्केयर उधर जाके कि हो जाएगा अंडररूट, तो 100 का अंडररूट कि होंगे है 10। तो AB की लेंथ कि आ गई, 10 cm। नाउ स्टार्टिंग मैं दसिया कि रोंबस दियाँ ऑल 4 साइड्स की होंगे ने इक्वल, सो देयरफॉर अगर 1 साइड सानू फाइंड हो गई है, तो बाकी दियाँ साइड्स भी कि हो गई उन्निया ही। ठीक है, तो AB की लेंथ असी फाइंड कर लिए रोंबस की 10 cm, हैंस द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द रोंबस इज 10 cm। ठीक है, बाकी दियाँ जिहड़ियाँ 3 साइड्स ने वो भी किन्नी लेंथ होगी, उन्हां दी भी 10 cm। ठीक है, तो इस तरह तुसीं रोंबस दी प्रॉपर्टीज़ नूं याद रख के और पाइथागोरस थ्योरम लगा के तो ये क्वेश्चन नूं तुसीं सॉल्व करना है। ठीक है, जिहदे विच डायगनल्स गिवन ने रोंबस दे, ते उहदी तुसीं साइड फाइंड करनी है। ठीक है, 1 साइड फाइंड कर लो, बाकी दी ऑल 3 साइड्स उहदे ही इक्वल होणगीआं। ठीक है, सो दिस इज़ योर टूडे टॉपिक, थैंक यू।